हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में स्पीच का बहुत अहम रोल है, बहुत अहमियत है, हमारी वाक शक्ति की बहुत अहमियत है। अगर हम अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते, हम अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आप में कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो, कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, कितने भी आप गुणी क्यों ना हो, अगर आप अपनी बातों को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, अपनी बातों को बता ही नहीं सकते कि आप में क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, तो आपकी वो सब एक तरफ रह जाती है। मान लो आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपके बहुत अच्छे 94, 95, 96% मार्क्स है, लेकिन आपकी वाक शक्ति सही नहीं है, आप हकलाते हो, तुतलाते हो, अपनी बातों को अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो सब कुछ एक तरफ रह जाएगा। अगर आपकी वाक शक्ति अच्छी है, बेशक आपके एजुकेशन में मार्क्स कम हो, तो आपको रख लिया जाएगा, क्योंकि आपकी बोलने की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अपनी बातों को इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि वो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, स्पष्ट नहीं बोल पाते, साफ नहीं बोल पाते, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं और वो स्टैमर करते हैं कि कोई ना हंसे, इसलिए वो बेचारे बोल ही नहीं पाते, पीछे रह जाते हैं, तो वो अपनी लाइफ में पिछड़ जाते हैं, कामयाबी नहीं हो पाते। तो स्पीच का बहुत बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहमियत रखती है स्पीच। ठीक है दोस्तों, एक बार क्या हुआ, मेरे पास फ़ोन आया और वो कहने लगा कि सर, मैं सुसाइड कर लूँगा अगर मेरी स्पीच नहीं ठीक होगी, मैं कई इंटरव्यू दे चुका हूँ और मैं हर इंटरव्यू में रह गया हूँ, और अगर मैं नहीं ठीक हुआ मैं सुसाइड कर लूँगा, सर मुझे ठीक कर दो। तो मैंने भी उसको समझाया, भाई ये ठीक हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, इसमें आपको सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से केस मैंने सुने हैं, मैंने देखे भी हैं, मेरे आगे में आए हैं कि वो सुसाइड करने को तैयार है, सर हम मर जाएंगे, हम बस ये हमारी स्टैमरिंग है, जो हमारी स्पीच है, हकलाना है, तुतलाना है, हमारी ठीक नहीं होती, ये ठीक हो जाए। तो हमने काफ़ी लोगों को ठीक करा। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं कि इंटरव्यू में रह गए, बहुत सी नौकरियों में गए और वो फेल हो गए उसके अंदर, मतलब उनको निकाल दिया क्योंकि उनकी स्पीच अच्छी नहीं थी। तो स्पीच अच्छी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ज़िंदगी में अपने कामयाब होना है, और ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बस रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। किसी भी तरह की स्पीच से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, चाहे हकलाने की हो, चाहे तुतलाने की हो, चाहे छोटे बच्चों की स्पीच थेरेपी हो, चाहे दिव्यांग बच्चों की स्पीच थेरेपी हो, बहुत से ऐसे हैं जिसको पैरालिसिस का अटैक हो, उनकी स्पीच भी चली जाती है, तो उसके लिए भी हम स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, मैं आपकी डिमांड पे हमेशा, जब भी आप डिमांड करते हो, तो मैं वीडियो स्पीच थेरेपी बनाता रहता हूँ। ये इसलिए नहीं कि मुझे यूट्यूब से कुछ अर्निंग होती है, कि मैं आपको कहता हूँ भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कि मुझे कुछ अर्निंग देता है यूट्यूब, कुछ नहीं देता मुझे। मुझे सिर्फ खुशी होती है जब मेरे पास मैसेज आते हैं, मेरे फ़ोन आते हैं कि सर हम ठीक हो गए, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। दोस्तों जो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपका एक्सपीरियंस आपके आगे शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप मेरी वीडियो को देखें, अच्छी तरह समझें और उनको फॉलो करें, आप डेफिनेटली ठीक हो गए। आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो आप ठीक हो सकते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, एक कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, क्या होता है कि हमारी जो वीडियो होती है वो कंबाइन होती है, ठीक है, और प्रॉब्लम सबकी अलग अलग होती है, तो हम सबके लिए अलग अलग वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि हर बंदे की प्रॉब्लम अलग है, उसके लिए हम अलग वीडियो कैसे बनाएं, क्योंकि किसी की टंग पोजिशन कैसी है, किसी की ब्रीथ कैसी है, किसी के वोकल कोड कैसे होते हैं, ठीक है, तो सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लो किसी को प्रॉब्लम है तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसकी टंग चेक करते हैं, उसकी ब्रीथ चेक करते हैं, उसके वोकल कोड चेक करते हैं, और उसकी टंग की पावर चेक करते हैं, उसकी स्पीच चेक करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम है। तो सब ये सारी काउंसलिंग करने के बाद हम उसको थेरेपी देते हैं। हमारे पास बहुत एक्सपर्ट हैं, स्पेशल एक्सपर्ट हैं, अगर आप मुझसे भी थेरेपी लेना चाहते तो मैं भी आपको थेरेपी दे सकता हूँ। तो इसमें हम कुछ ज़्यादा थेरेपी नहीं देते, 2-3 थेरेपी होती है हमारी, एक कि बस ये आप करो, इसकी प्रैक्टिस करो रोज़ाना और आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, और दोस्तों क्या होता है, इसमें आपको ये भी पता लग जाता है कि आप को थेरेपी करनी है, थेरेपी की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको करना क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। मान लो जैसे कि मैंने टंग एक्सरसाइज की वीडियो बना रही हूँ, उसमें 25-25 मैंने एक्सरसाइज बता रही है, अब करनी तो 5-7 है, अब 5-7 आपको पता भी तो होना चाहिए। अगर आप एक दो बार थेरेपी ले लेते हैं तो आपको ये पता लग जाता है भी मेरी ये प्रॉब्लम है और मुझे इस तरह प्रैक्टिस करनी है, तो आप डेफिनेटली ठीक हो सकते हैं। तो आप किसी भी तरह की, अगर आपको स्पीच में दिक्कत है, हकलाने से हो, तुतलाने से हो, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है, तो आप थेरेपी ले सकते हैं। तो थेरेपी लेने के लिए जो आपके आगे नंबर फ्लैश हो रहा है, तो इस नंबर पे आप कॉल करें,
ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप मैसेज करें और हमें बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो जैसा भी हम आपको रिप्लाई देंगे, आपको जो कुछ भी होगा उसका सोल्यूशन बताएंगे, जिस तरह भी है हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।